Assalamu alaikum dear students, myself Kurat. I am working as vocational trainer in government higher secondary school Pingliana. Aaj ka hamara topic hai difference between oral communication and written communication. ये oral communication and written communication हमने typos में भी discuss किया था. आज हम इसमें कुछ differences पढ़ेंगे, ठीक है? Oral communication exchange of ideas, information and message through spoken words is oral communication. जो हम मैसेज या इंफॉर्मेशन या आइडिया दूसरे से शेयर करते हैं थ्रू स्पोकन वर्ड्स, बोले गए शब्दों से, उसे हम बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन. रिटन कम्युनिकेशन इंटरचेंज ऑफ मैसेज ओपिनियंस एंड इंफॉर्मेशन इन रिटन और प्रिंटेड फॉर्म इज रिटन कम्युनिकेशन. जो हम मैसेज इंफॉर्मेशन रिटन फॉर्म में एक्सचेंज करते हैं, मतलब लिखे हुए वर्ड्स में एक्सचेंज करते हैं, उसे हम बोलते हैं रिटन कम्युनिकेशन. लाइक हम लेटर लिखते हैं, ईमेल, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज लिखते हैं, कंप्यूटर पे कुछ रिटन लिखते हैं, मतलब जो आप लिख के इंफॉर्मेशन देते हो उसे हम बोलते हैं रिटन कम्युनिकेशन. सेकंड डिफरेंस कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स ऑफ माउथ, मतलब ज़ुबान से बोले गए लफ्ज़, वो हुआ ओरल कम्युनिकेशन. एंड कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट, जो आपने वर्ड्स लिखे, जो आप रिटन में लिखते हैं, उसे हम बोलते हैं रिटन कम्युनिकेशन. वन मोर डिफरेंस ओरल कम्युनिकेशन इज सुपीडी. जो मैसेज होती है ओरल कम्युनिकेशन में वो सुपीडी होती है. जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं तेज़ तेज़ बोल रही हूँ, अगर मैं ओरली किसी से कुछ पूछूँगी वो भी तेज़ तेज़ जवाब देगा, सो इट इज़ सुपीडी. एंड रिटन कम्युनिकेशन इज स्लो, जबकि रिटन कम्युनिकेशन बहुत स्लो होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले आप किसी को लीव एप्लीकेशन भेजते हो, फिर वो पढ़ेगा, फिर आपको रिसीव होगी, फिर आप पढ़ोगे, तो रिटन कम्युनिकेशन थोड़ा स्लो प्रोसेस है. नो रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन देयर, ओरल कम्युनिकेशन में रिकॉर्ड कोई नहीं होता है, कोई प्रूफ नहीं होगा अगर तीसरा बंदा ना हो. इसमें क्या होता है, आप अपने अल्फाज बोल देते हो, काम ख़त्म, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता. इन रिटन कम्युनिकेशन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन इज प्रेजेंट. रिटन कम्युनिकेशन में प्रॉपर रिकॉर्ड होता है, आपने लिखा होता है, आपका सिग्नेचर उसमें मौजूद होता है, तो वो एक प्रॉपर रिकॉर्ड की फॉर्म में होता है एज ए प्रूफ. इन ओरल कम्युनिकेशन इमीडिएट फीडबैक कैन बी गिवन. ओरल कम्युनिकेशन में इमीडिएट फीडबैक आ जाता है, मतलब आपने कुछ बोला, दूसरे बंदे ने आपको जवाब दिया, तो आपको फौरन उसका फीडबैक मिल जाएगा, ठीक है? रिटन कम्युनिकेशन में फीडबैक टेक्स टाइम, जबकि रिटन कम्युनिकेशन स्लो प्रोसेस है, हियर फीडबैक टेक्स टाइम. आप पहले लिखोगे, फिर वो पढ़ेगा, फिर आपको बताएगा, तो ये स्लो प्रोसेस है, सो फीडबैक टेक्स टाइम. वन मोर डिफरेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी हाई. प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत हाई है. जैसे आप ज़ुबान से बात कर रहे हो तो ज़्यादा चांस ये है कि शायद कोई बंदा मिसअंडरस्टैंड कर जाए. इन रिटन कम्युनिकेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग इज़ क्वाइट लेस. रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, आपने लिखा होगा तो इससे सब समझ सकते हैं. जैसे आपका कोई फ्रेंड आपको पढ़ा रहा है, वो गलत भी पढ़ा सकता है, और अगर आप बुक से पढ़ोगे वही टॉपिक, वो बुक गलत नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, बहुत कम चांसेस होते हैं वहाँ गलत होने के. सो रिटन कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं. तो ये था डिफरेंस बिटवीन ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन. मिलते हैं नए टॉपिक के साथ इन नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.